हरदोई में कांग्रेस नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री नकुल दुबे सहित कई पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। दरअसल हरदोई में कांग्रेस द्वारा गांधी भवन सभागार में जिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें पूर्व मंत्री व जिला प्रभारी नकुल दुबे शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेसी असम में राहुल गांधी की यात्रा में पड़े व्यवधान के विरोध में अम्बेडकर पार्क में जाकर बाबा साहब की मूर्ति माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सभी को रोक लिया और गांधी भवन में सभी गेटों पर ताला लगा दिया और बाहर फोर्स तैनात कर दी। करीब आधे घंटे तक कांग्रेसी अंदर बंद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन व कांग्रेसी नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद चार लोगों को अंबेडकर पार्क जाकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की अनुमति दी गई। जी अब तो दिक्कत जो पूरा देश पूरा प्रदेश झेल रहा है कि आज चैन से सड़कों पर चलना बहुत दुभर हो गया है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आपके यहीं गांधी भवन से यहां तक बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई। तो हमारे पूर्व विधायक श्री राकेश राठौर जी, हमारे भाई श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, मंजू मित्रा जी, हमारे विक्रम पांडे जी, हम चार पांच लोगों को अनुमति दी गई कि आप लोग चार पांच लोग जाकर के माल्यार्पण कर सकते हैं। तो वही हम लोग बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके यही संकल्प दोहरा रहे हैं कि जब तक सांस में सांस है और शरीर में एक बूंद भी खून का कतरा है, हम अपने संविधान को कतई मिटने नहीं देंगे। संविधान को मिटाने वाले इस देश से छोड़ के जाएंगे, लेकिन संविधान हमारा यूं ही इंटैक्ट।